जय हिंद दोस्तों मैं कृतिका साहू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर है मुस्लिम इनवेजन ऑन इंडिया सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स डील करने के पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो रिलिजन है इस्लाम इस्लाम के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था हजरत मोहम्मद ही वॉज बॉर्न इन 570 AD और उनकी डेथ हुई थी 632 थर्टी टू ए डी में ही वॉज बॉर्न इन दिटी ऑफ अरेबियन सिटी ऑफ मक्का जो कि प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया का पार्ट है अगर फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक इन इंडिया की बात करें तो किसी बुक में सेवन इलेवन ए डी लिखा है और किसी बुक में सेवन ट्वेल्व ए डी लिखा है सो वी विल गो विद सेवन ट्वेल्व फॉर नाउ सेवन ट्वेल्व ए डी में फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक हुआ था एंड ये अटैक था सिंध के जो किंग थे उनका नाम था दाहिर ड बायम्मद बिन कासिम अटैक अंडर मोहम्मद बिन कासिम यह पहला सक्सेसफुल अटैक था इसके पहले भी अंडर द लीडरशिप ऑफ उबैदल एंड बुदेल इन दोनों की लीडरशिप के अंदर भी अटैक हुए थे फ्रॉम मुस्लिम्स बट ये दोनों जो अटैक थे ये अनसक्सेसफुल थे सो पहले सबसे पहला अटैक इंडिया में हुआ बाई अरब अरब पीपल एंड उसको लीडरशिप किसने दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने देखिए फर्स्ट अटैक अटैक बाय अरब सेकेंड अटैक जो किया था वो था टर्स ने टर्क अंडर दीडरशिप दी ऑफ मह, महमूद तो गजन, so, सबसे पहला अटैक बाय अरब सेकेंड अटैक बाय टर्क टर्क जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद जो कि गजनवी डाइनेसिटी के आ, रूलर थे इन्होंने नाइन 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 एडी से थाउजेंड ट्वेंटी सेवन ए डी के बीच में सेवेंटीन टाइम्स इंडिया पे अटैक किया और ये जो अटैक था ये बेसिकली इन, इसका जो मेन मोटिव था इट वाज नॉट टू इस्टैब्लिश द स्टेबल मुस्लिम रूल इनको मुस्लिम रूल इंडिया में इस्टैब्लिश करना नहीं था बट मेन पर्पस जो था इस इसमें इट वाज ओनली टू प्लंडर दी मटेरियल एसेट्स फ्रॉम इंडिया सो उनका मुस्लिम रूल स्टैब्लिश करना नहीं था बट ओनली जो भी मटेरियल गेन है मटेरियल एसेट्स को लूट के वापस लेके जाने का इनका एम था महमूद ऑफ गजनी ने तीन लोगों को पैटर्नाइज किया था फिरदौसी अलबरूनी एंड उदबी जो फिरदौसी हैं ही वॉज अ पर्शियन पोएट जिन्होंने बुक लिखी थी शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे सो so, शाहनामा वॉज रिटर्न बाय फिरदौसी अलबरूनी जो कि स्कॉलर थे एज वेल एज हिस्टोरियन इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी पहला है तहकीके हिंद दैट इज रियालिटी ऑफ हिंदुस्तान एंड दूसरा है किताब पतंजल जो कि एक ट्रांसलेशन है पतंजलि योगा सूत्र और ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है उतबी जो कि एक कोर्ट हिस्टोरियन है इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है तारीख यमिनी अब देखते हैं ये कुछ डिटेल के बाद अब देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर जो कि है मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया पहला क्वेश्चन हजरत मोहम्मदी अरेबिया थर्ड क्वेश्चन द वर्ड हिंदू एजफरेंस ऑफ पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय जो वर्ड है हिंदू ये उन लोगों के लिए यूज किया गया था एंड इट वॉज यूज बाय अरब्स सो अरब अरेबियन पीपल जो थे हिंदू कहा था उन लोगों को जो कि इंडिया में रहते थे मोस्ट ऑफ द स्कॉलर फील दैट द हिंदू वॉज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो इसलिए उन्होंने हिंदू बोल के यहाँ के लोगों को रेफर किया था एज इन ऋग्वेद जो ऋग्वेद में ये येन्शन है कि जो भारत है इज डिफाइंड एज सप्त सिंधु सो सिंधु से आया वर्ड हिंदू इरानियन टर्म दिस कंट्री एज हिंदुस्तान ग्रीक्स ने इसे इंडिया बोला अबाउट द इंडियन पीपल द वर्ड हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय अरेबियंस सो हिंदुस्तान किसने बोला ईरानियन ने इंडिया बोला ग्रीक पीपल uh, ने एंड अरेबियन ने हमको बोला हिंदू और अगर की बात करें, तो हम बोला जाता था सप्त सिंधु फर्स्ट मुस्लिम अटैक इंडिया में कब हुआ सेवन इलेवन एस पर दिस ऑप्शन एंड किसी ऑप्शन में आप देखेंगे कि सेवन ट्वेल्व भी है सो so, दोनों ऑप्शन करेक्ट है किंग दाहिर ऑफ सिंध फॉर द बैटल विद मोहम्मद बिन कासिन द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हुआ इन सेवन ट्व एडी जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है एंड मोहम्मद बिन का हराया था डिफीटिंग एंड किलिंग दाहिर अब डेट्स के ऊपर यहाँ पे एज आई मैं थोड़े से कंफ्लिक्टर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द एग्जैक्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन एज पर बी डी महाजन सेवन इलेवन इज द डेट एंड एज पर हरीश चंद्र वर्मा सैवन इज़ द डेट. सो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा आप उसे टिक कर सकते हैं देखिए ये वाले ऑप्शन में, में लिखा है टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल ये तो करेक्ट है सेकेंड देर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया देखिए अगर कोई भी इंडिया को सेवनटीन टाइम्स लगातार अटैक कर रहा है ेट्स की वहां पे यूनिटी तो हो नहीं सकती सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर गोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए देखते हैं इन्फॉर्मेशन देर आर मेनी रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ टर्किश इन्वेशन इन इंडिया हाउ एवर द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दम वॉज द कॉन्स्टेंट वॉरफेयर अमंग द इंडियन रूलर्स क्योंकि सब कुछ एकदम फ्रैगमेंटेड था छोटे छोटे से स्मॉल किंगडम्स पे इंडिया डिवाइडेड था दैट वॉज द रीजन यूनिटी की कमी थी एंड देवर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का पार्ट है दिस में टर्क वर्क जो टर्किश का जो काम था वो बहुत ईजी कर दिया एंड वेन दे स्टार्ट इन वेडिंग इंडिया देवर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया ये था मोहम्मद बिन कासिम हमने देखा है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वॉज मोहम्मद बिन कांग्री अंडर दीडरशिप ऑफ बिनिड एनी इम्पैक्ट दरब कु के एरिया में ही कन्फाइन होकर रह गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम इट वॉज एंड लेटर ऑन फिर वो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था उनका भी जो रूल था पार्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान में उनका भी रूल ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लग गया देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर इनके अकॉर्डिंग अरब सिंध बट इट रिमेन हिस्टोरिकल एंड द इवेंट ऑफ द ऑफ इस्लाम ओनली दिस वॉज एन इनफेक्टिव विक्ट्री क्योंकि ये विक्ट्री इनफेक्टिव थी क्योंकि सिर्फ अ, सिंध एंड मुल्तान एंड सिंध एंड मुल्तान जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया काफी बड़ा था तो मेन जो कंप्लीट टास्क था ये इन पूरा किया टर्क ने बट स्टिल हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो फर्स्ट वन टू अटैक इंडिया अरेबियंस का उसमें नाम आता है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन थे अरब्स 712 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने राजा दाहिर को अटैक किया था जो कि सिंध के किंग थे उनका कैपिटल था देवल जो कि मॉडर्न डे कराची का पार्ट है इसके बाद अरब्स ने मालवा पे अटैक करने की कोशिश करी बट दिस अटैक वॉज अनसक्सेसफुल आफ्टर दिस फॉर नेक्स्ट थ्री हंड्रेड जो इंडियन किंग्स थे इंक्लूडिंग राजा भोज एंड अदर गुजारा किंग्स इन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली इंडिया की टेरिटरी को संभाल के रखा और इन्होंने इंडिया को मुस्लिम इन्वेजन से बचा के रखा फॉर अबाउट थ्री हंड्रेड इयर्स विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई भी स्टोरी हमें किसी भी बुक में स्पेशली एनसीआरटीज में तो देखने को नहीं मिलती है सो so, आपको यह पता होना चाहिए कि 712 के बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रांग मुस्लिम अटैक हुआ था वो 999 में हुआ था विच वॉज बाय टर्क सो so, एप्रोक्सीमेटली 300 साल साढे 350 साल तक uh, हमारे इंडियन किंग्स ने इंडिया uh, को संभाल के रखा था नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम वाज ही वाज अरब ऊपर हमने देखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनवीड डायनेस्टी तो इसका आंसर है अलतिगिन ऑप्शन नंबर ए अलतिगिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 9th सेंचुरी ट्रांसोक्सियाना खुरासान एंड पार्ट ऑफ ईरान दिस एरिया वॉज रूल्ड बाय समित थे तो जो समानित uh, डायनसिटी के जो गवर्नर थे इट वॉज गवर्नर वॉज अ टर्किश स्लेव जिनका नाम था अल्पतिगिन अल्पिन समानितिटी के गवर्नर थे लेटर ऑन इन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टैब्लिश किया जिसका कैपिटल था गजनी सो so, गजनविक डायनेसिटी के जो फाउंडर थे वो थे अल्पतेगिन जिन्होंने लेटर लेटर कोर्स ऑफ टाइम में जो समान्य किंगडम था उसको भी टुक ओवर कर लिया अगर हम मैप में देखें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल एशिया का ये ये ब्लू कलर में जो है डायनेस्टी के अंडर था नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय महमूद गजनवी तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्याधर द तो चंदेला डायनेस्टी इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर किंग विद्याधर जिन्होंने महमूद गजनवी के अटैक को ड्यूरिंग 20 20 इन्होंने सक्सेसफुली टैकल किया और इन्होंने मोहम्मद चंदिला रूल ओवर सेंट्रल इंडिया देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज लेटर ऑन शिफ्टेड कैपिटल टू महोबा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन एंड असर्शन देखते हैं assertion में है मोहम्मद गजनी इनवेडेड इंडिया सेवनटीन टाइम्स ही टू परमानेंट मुस्लिम देखिए रीजन तो इनकरेक्ट है असर्शन इज करेक्ट तो ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स जैसा कि हमने पहले डिटेल्स में देखा है कि उन्होंने जो अटैक किया था वो मेनली रेडर एंड प्लंडर ऑफ वेल्थ का पर्पज से था ना कि मुस्लिम uh, रूल को या फिर किसी भी तरीके का परमानेंट रूल स्टैब्लिशमेंट करना था उनका इंडिया में बट ही टुक अवे ह्यूज वेल्थ ऑफ द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी तो देखिए महमूद गजनी का जो जो हिस्टोरियन थे उनका नाम था उदबी जो फिरदौसी थे ही द पर्शियन पोएट थे बट अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली हिस्टोरियन का नाम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी उदबी फरिश्ता ऑफ शाहनामा तो देखिए इसमें मिस टाइपिंग थी फरिश्ता नहीं था इनका नाम था फिरदौसी फिर शाहनामा वाज़ एसोसिएटेड विद सो ही ऑप्शन नंबर बी फिर ये बुक के नाम आप याद रखिएगा द फेमस हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद गजनी उनका नाम था अलबरूनी द कंपनीड बाय अलबरूनी ड्यूरिंग इलेवेंथ सेंचुरी एडी अल्बरूनी द फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग इनको फादर ऑफ इंड इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग भी बोलते हैं ही वॉज अ कंपनीड बाय महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया एंड ही स्टेड हियर फॉर मेनी ईयर्स इन्होंने ट्रांसलेट किया था पतंजलि इस योगा सूत्र हमने ऊपर देखा है इन टू अरेबिक और उसके उसका बुक uh, का नाम था किताब पतंजल ऑल्सो uh, तहकीके हिंद जिसका रियालिटी ऑफ हिंदुस्तान वॉज हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन विच ही गेव द सोशल कल्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया अलबरूनी केम टू इंडिया ऑप्शन नंबर सी इलेवेंथ सेंचुरी ऊपर देखा हैजनी ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलबरूनी इज नॉट करेक्ट तो देखियेज राइटिंग वॉज इन्फ्लू बाई इंडिया इट वॉज करेक्ट वो संस्कृत के भी स्कॉलर थे एंड ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है ही वॉज नॉट अ सेक्यूलर ऑथर क्योंकि ही नेवर गेव एनी sympathetic रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी इवेंट जो सोमनाथ टेम्पल में जो रेड किया था गजनी ने टेन ट्वेंटी सिक्स में इसके बारे में इन्होंने कोई भी सिंपत्ति नहीं जताई थी इसलिए वी केन नॉट कंसिडर हेम एज अक्यूलर राइटर इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है दैट ही वॉज बॉर्न इन नाइन सेवेंटी थ्री एडी इन द टेरिटरी ऑफ ख्वारिज्म खौरिज, खौरिज, ख्वारिज्म सॉरी ख्वारिज्म जो कि प्रेजेंट डे खीवा है सेंट्रल एशिया में नेक्स्ट है द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड किसने पढ़ा था अलबरूनी संस्कृत के स्कॉलर थे ये ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने पुरान पढ़ा था सिर्फ हिस्टोरियन नहीं थे बट ही हैड द कीन इंटरेस्ट इन द वाइड लेवल ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी जोग्राफी मेडिसिन मैथमेटिक्स रीजनिंग रिलीजन थियोलॉजी ड्यू टू हिज इंटरेस्ट ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गेनिंग नॉलेज ऑफ द रिलीजन कल्चर ऑफ देन इंडिया He studied Sanskrit and used many references in his creation, mainly from the work of इन्होंने ब्रह्मगुप्त बालभद्र एंड वारा मिहिरा की जो जो लिखी गई किताब थी इनके रेफरेंस लेके इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने बुक में भी लिखी है हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर coins विद संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनी द कॉइन ऑफ महमूद गजनी स्टक इन इंडिया विद अरेबिक ऑन वन साइड एंड संस्कृत लेजेंड ऑन द अदर साइड एक दिरम मिला है लाहौर में इट कैरिड अ शारदा स्क्रिप्ट अ रेंडरिंग ऑफ कोलोकियल संस्कृत ऑफ इस्लामिक कलीमा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 तो इनका नाम है मोहम्मद गौरी सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये एक रूलर थे सेंट्रल एशिया के इन्होंने नॉर्थ इंडिया कॉन्कर किया 1192 में इन्होंने जो फर्स्ट अटैक किया था इंडिया में वो था 1175 एडी में जो कि मुल्तान में हुआ था उसके बाद में 1175 से 1205 एडी तक उन्होंने कंटिन्यूसली रिपीटेटिवली अटैक किया इंडिया पे टू सेव अर्लियर कॉन्कर्ट पार्ट एंड एक्सपैंड उसके बाद ही अटैक मुल्तान एंड उच एन इलेवन सेवेंटी सिक्स एडी उसके बाद इन्होंने गुजरात में अटैक किया Then, 1191 में, बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था उसके एक साल के बाद गौरी ने फिर से अटैक किया इलेवन नाइनटी टू में जहां परिफीटेड बाई गौरी और इन दिस वे अन्ट्रल मुस्लिम पोलिटिकल सिस्टम वॉज स्टैब्लिश विच लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आंसर है भीमा टू द फर्स्ट बैटल द गौरी वॉज अगेंस्ट अंदू रूलर जिनका नाम था राजा भीमा टू जो गुजरात के आ, किंग थे ही वॉज द में ये जो राजा भीमा टू थे वॉज वेरी यंग और जो मेन थी लीडर वो थी उनकी मदर जिनका नाम था नायका देवी शी इन्फेक्टेड अ मेजर डिफीट टू मोहम्मद गौरी और उसके बाद गौरी ने कभी भी गुजरात के इस पार्ट को अटैक करने की कोशिश नहीं करी कौन से कौन से बैटल में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था सो ये था ऑप्शन नंबर सी बैटल ऑफ चंदवार या फिर चंदावर भी बोलते हैं ये फाइट किया था 1194 एडी में मोहम्मद गौरी डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज किंग थे कन्नौज के जयचंद्र गढ़वाल इन्हों इन इनके बीच में फाइट हुई थी दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ चंदावर ड्यूरिंग 1194 एडी दिस बैटल वाज़ फॉर्ट इन चंदावर जो कि मॉडर्न डे फिरोजाबाद है ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर क्लोज टू आगरा

हैज़ एन इमेज ऑफ़ गॉडिस लक्ष्मी फाइल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन कलमा वॉज इंस्क्राइब्ड इन अरेबिक मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मोहम्मद गौरी विक्ट्री मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हुई 1192 में उसके बाद इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया एज ए इंचार्ज ऑफिस इंडियन टेरिटरी तो ये बेसिकली एकता सिस्टम होता है एकता सिस्टम का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द एरिया जिसके बदले में वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये एकतादारी मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन से एरिया के लिए तो देखिए एरिया है कोहराम कोहराम इज बेसिकली एक छोटा सा गांव है पंजाब में जिसका नाम है घुर्रम एंड समाना ये दोनों जगह के ही वॉज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीज टू प्लेसेस ही हैड

देखिए जो मोहम्मद गौरी थे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने कभी भी बंगाल और बिहार को कॉन्कर uh, करने का नहीं सोचा था दिस वॉज डन बाय एक ऑर्डिनरी स्लेव था जिनका नाम था इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी सो so, बख्तियार खलजी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन्होंने 1193 से 1202 एडी के बीच में ही कॉन्क्रट बिहार एंड इन्होंने विक्रमशिला नालंदा नालंदा वाली यूनिवर्सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था इसके बाद में ही कैप्चर्ड दैपिटल कैपिटल एट देन 1198 से 203 एडी के बीच में इन्होंने बंगाल पे अटैक किया इनके अटैक के बाद जो उस जो उस समय पे बंगाल के राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन उन्होंने फाइटिंग नहीं की इनके साथ में एंड ही फ्लेड अवे विदाउट फाइटिंग इन द बैटल फील्ड टर्किश आर्मी फिर एंटर करी कैपिटल ना, नादिया को एंड देन रीस्टोर द मैसेफ रॉबरी एंड रिसोर्टेड द मैसेफ रॉबरी इन द दबसेंस ऑफ किंग द सिटी सरेंडर एंड लक्ष्मण सिंह ने फिर साउथ बंगाल पे रेफ्यूज लिया बख्तियार खिलजी ने पूरे बंगाल को तो कॉन्फर नहीं किया सिर्फ जो ये वाला पार्ट था जहाँ पे कैपिटल ना नादिया वाला पार्ट वहां तक ही सीमित रहे बख्तियार खलजी मेड हिज कैपिटल एज लखनौती विद दिस ये चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत स्लेब डायसिटी को कवर करेंगे टिल देन स्टे होम स्टे सेफ जय हिंद